नमस्ते डॉक्टर चचा, कैसे हैं आप? नमस्ते मीना, मैं अच्छा हूँ। पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा अपनी पसंदीदा आशा से मिल रहा हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर चचा। मैं कुछ लोगों से मिली जिन्हें कोविड जांच के मुतालिक बहुत सारे खदशात और सवाल हैं। वो इस बात से भी परेशान हैं कि उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं है, और मुझे एहसास हुआ कि मुझे कतई अंदाजा नहीं है कि उनके सवालों के जवाब कैसे दूं। लिहाजा मैंने तमाम सवालात एक पर्चे पर लिख लिए हैं। क्या इस सिलसिले में आप मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल मीना, अपने सवाल पूछो, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। सबसे ज्यादा आम और पूछा जाने वाला सवाल था कि कोविड की जांच कब कराना चाहिए। मीना, अगर किसी भी शख्स को इनमें से कोई भी अलामतें हों, मसलन बुखार आना या गले में खराश होना या खांसी आना या जिस्म में दर्द होना, थकावट होना, जायका बदल जाना या ना आना, दस्त होना या सांस लेने में दुश्वारी पेश आए, उसे फौरन ही कोविड की जांच करवा लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर चचा, मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जो कोविड मुस्बत मरीज के राब्ते में आए, पर जाहिरी तौर पर उन्हें कोई अलामत नहीं है। क्या उन्हें भी टेस्ट करवाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर उन्हें कोई भी अलामतें ना भी हों तो भी उन्हें कोविड की जांच करवाने की जरूरत है। कोविड मुस्बत मरीज के साथ इब्तदाई राब्ते के बाद 2 से 3 दिन इंतजार करना चाहिए और फिर टेस्ट करवाना चाहिए। और घर में ही किसी फर्द को कोविड हो तो फिर सबको ही कोविड जांच करवानी चाहिए। जी समझ गई। डॉक्टर चचा, अक्सर मुझसे देहात में लोग पूछते हैं कि टेस्ट करवाने से क्या फायदे हैं। ये एक अहम सवाल है, लिहाजा कोविड की जांच होने से किसी भी शख्स को ये मालूम हो जाता है कि उसे कोविड या इन्फेक्शन है या नहीं। इब्तदाई या हल्की अलामतें होने पर खुद को घर पर अलग रखकर ही वो ठीक हो सकता है, और अगर उनकी अलामत बिगड़ने लगे तो वो जल्द अज जल्द अस्पताल जाकर इलाज करवा सकता है। ऐसा करने से वो कोविड को फैलने से रोक सकते हैं और अपने घर और बिरादरी के अफराद की हिफाजत कर सकते हैं। और आखिर में टेस्ट करवा कर वो शख्स जल्द डॉक्टर से मशवरा कर सकता है और जल्द अज जल्द से सेहतियाब हो सकता है। ओह डॉक्टर चचा, क्या आप मुझे इन जांचों के बारे में मजीद बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोविड का पता लगाने के लिए 2 किस्म की जांच की जाती हैं, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट। जब तक किसी की जांच के नतीजे ना आए, बेहतर यही होगा कि वो शख्स घर पर ही आइसोलेशन या अलहदगी में रहे। तो डॉक्टर चचा, ये बताएं कि मेरे या किसी और आशा से पूछने के अलावा भी क्या कोई और तरीका या जरिया है जिससे इन लोगों को मदद हासिल हो सके? बिल्कुल, कोविड जांच के बारे में मजीद मालूमात के लिए सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1075 पर फोन लगा सकते हैं या आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मदद के लिए सेहत कारकुन हेल्थ वर्कर से भी राब्ता कर सकते हैं। सब समझ गई मैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चचा। अब मैं कोविड जांच के मुतालिक सवालात का जवाब आसानी से दे सकूंगी। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे अगर कोई और मजीद सवालात हों तो तुम जानती ही हो कि मुझे कहां तलाशना है। जी हाँ, आम के इस खूबसूरत दरख्त के नीचे। हाँ।